Assalamualaikum, one class students. How are you all? I hope with the grace of Allah you all will be fine. Today we are going to start the reading of Islamiyat chapter number 12. Assalamualaikum. Assalamualaikum के मतलब से सब बच्चों को पता चल गया होगा कि Assalamualaikum कब करते हैं. जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम Assalamualaikum कहते हैं. इस चैप्टर को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं कि हमने जब एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से मुलाकात करनी है, तो सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम कहना है. अस्सलामुअलैकुम का मतलब क्या है? अस्सलामुअलैकुम का मतलब है आप पर सलामती हो. और आप पर सलामती हो ये एक दुआ है, यानी कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको दुआ देते हैं. हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिलने का हुक्म दिया है. हम जब एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को दुआ दें, अस्सलामुअलैकुम कहें. अस्सलामुअलैकुम के जवाब में दूसरा इंसान वालेकुम अस्सलाम कहता है. वालेकुम अस्सलाम का मतलब भी है आप पर सलामती हो, यानी कि ये दोनों अशख़ास एक दूसरे को दुआ देते हैं और फिर अपनी बातचीत शुरू करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ चैप्टर अस्सलामुअलैकुम. जब भी कोई मुसलमान अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई को मिलता है तो अस्सलामुअलैकुम कहता है, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो. दूसरा मुसलमान भाई जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम पर भी सलामती हो. सलाम करने पर 10 नेकियां मिलती हैं. अंडरलाइन द वर्ड नेकियां एंड राइट इट्स मीनिंग अजर और सवाब. इसलिए सलाम करने में पहल करनी चाहिए. अंडरलाइन द वर्ड पहल एंड राइट इट्स मीनिंग पहले, यानी कि हमेशा सलाम करने में पहल करें, एक दूसरे को आगे बढ़कर पहले सलाम करें. जब भी हम किसी से मिले, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, खुद आगे बढ़े और उसको अस्सलामुअलैकुम कहें. इसलिए जब भी घर जाए तो अम्मी अबू और बहन भाइयों को अस्सलामुअलैकुम कहें. यानी कि जब हमें स्कूल से ऑफ होता है, हम घर जाएं, तो सबसे पहले अपने अम्मी अबू और बहन भाइयों को अस्सलामुअलैकुम कहें. स्कूल आए तो जिस दोस्त से मुलाकात हो. अंडरलाइन द वर्ड मुलाकात एंड राइट इट्स मीनिंग मिले. इसको अस्सलामुअलैकुम कहें, यानी कि जब भी किसी दोस्त से मुलाकात हो, जब हम स्कूल आए तो अपने दोस्त को अस्सलामुअलैकुम कहें और उसके बाद अपना नेक्स्ट वर्किंग कंटिन्यू करें. अपने असातिज़ा को अदब से सलाम करें. अंडरलाइन द वर्ड अदब एंड राइट इट्स मीनिंग इज्जत. अपने असातिज़ा को अदब से सलाम करें. सलाम करने के लिए दूसरे मुसलमान को जानना जरूरी नहीं, बल्कि हर बड़े छोटे शख्स को सलाम करना अच्छी आदत है. सलाम करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम नॉन पर्सन को सलाम करें, बल्कि जो अननोन है, जिनको हम नहीं जानते, उनको भी अस्सलामुअलैकुम कहें. सलाम करके एक दूसरे से हाथ मिलाने को मुसाफा कहते हैं. इनके जब हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो उसको मुसाफा कहते हैं. यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्टिविटी 1. सरगर्मी 1 है हमारी, मुख से जवाब दें, क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे हम. सलाम